नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खूनी ज्वालामुखी और नर पिशाच, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। साई सु आई दामनी भी पीछे ना थी। अगले पल वो पिशाचों पर टूट पड़ी। हर आ आई आ खचाक खचाक। इधर बहुत से पिशाच राम वगैरह के रास्ते आ खड़े हुए थे। हिस हिस। और धनुर्धर ने अपने त्रिशूल रूपी बाणों से उन लोगों पर हमला कर दिया। आ बचाओ। बुराटा भी पीछे ना था। धाड़। जयकाल भी अपनी शक्तियों से उन शैतानों पर हमला कर दिया। आ शीघ्र ही मर गए। आओ जल्दी। वो सुरंग यहीं से शुरू होती है, लेकिन यहां से रास्ता बनाने की समस्या है। इस समस्या को मैं हल किए देता हूं। बुराटा का शक्ति प्रहार भड़ाक और रास्ता बन गया। चलो। तभी नहीं, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले ही खचाक। आ बुराटा उफ। नहीं, दूसरी ओर। आ बचाओ। नहीं आई। और अगले पल जहरीले दुष्टो, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। कर सबको जलाकर राख कर दूंगा। जबकि दामनी का वार उल्टा पड़ने जा रहा था। ओह और फिर और ये देख, दामनी नहीं भजाक। उसी के साथ चीख निकल गई सुकरा की। नहीं, अब तेरी मौत भी निश्चित है दोस्त। और अगले पल ज्वाला फिर भूचाल के वार ने खचाक। काल के गाल में धकेल दिया सुकरा को। खत्म हो गया दोस्त। अब हमें राम वगैरह की मदद के लिए चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। आओ। तभी भड़ाक। हे भगवान, ये क्या बला है। भूचाल ने उस पर वार किया, लेकिन उसके वार को बेकार कर दिया। धार। आ ज्वाला को भी मुंह की खानी पड़ी। आ भूचाल, ये तो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मैं इसे उठाकर लाता हूं। तुम अग्निकुंड तैयार करो। अगले पल धड़ाक भड़ाम। अरे अरे, ये क्या कर रहा है दुष्ट। छोड़ो मुझे। क्या कहा, छोड़ दूं। लो, छोड़ दिया। अग्नि का ये तालाब और कोई नहीं, ज्वाला बनी हुई थी। प्रेतनी के जलते ही फिर वो तीनों भी गुफा की ओर बढ़ गए। उधर राम, जयकाल और धनुर्धर गुफा में चले जा रहे हैं। उफ, भयानक दुर्गंध से दिमाग की नसें फटी जा रही है। इधर वो लोग यहां तक आ ही पहुंचे। मुझे किसी भी तरह उन्हें इस स्थान तक पहुंचने से रोकना होगा। अगले ही पल कर कड़ाक। जागो ए सोई हुई शक्तियों, जागो। कर कड़ाक। अगले पल वो हे भगवान। फिर आ जान निकलती दिख रही थी दोनों की, कि अचानक जान बचाने आ गया धनुर्धर। खचाक। फिर
तीरों की वर्षा सी कर दी धनुर्धर ने, आजाद होते ही दोनों भी टूट पड़े। कड़ाक, आओ सालो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। धनुर्धर भी व्यस्त था, राम मैं इन्हें देखता हूं, तुम कपालफोड़ से निपटो। फिर दोनों अंदर भाग लिए। चलो जयकाल, ये दुष्ट शक्तियों उनके पीछे नहीं जानी चाहिए। आई आ वो रहा, ओह आ गए। ओह इसकी शक्ति अभी तक कायम है, लेकिन इसकी शक्ति को मैं रोकूंगा। दो महाशक्तियां आपस में जा टकराई। भड़ाक और भयंकर आवाज से वातावरण गूंज उठा। कपाल फोड़ की आंखें क्रोध से जल उठी। जयकाल, मेरी शक्तियों से टकराएगा तू, अब तू जीवित नहीं बचेगा। घातक मृत्यु किरने जयकाल की यह लीला समाप्त करती चली गई। ओह अब तू भी नहीं बचेगा। ओ शैतान तांत्रिक तो असहाय होने के बावजूद भी काफी शक्तिशाली है। उफ अब तुम्हारा बचना असंभव है। उधर ओ धनुर्धर, हाँ मैं इन घातक शक्तियों से बचने के लिए अब मुझे अपना आखिरी बार इस्तेमाल करना होगा। कपाल फोड़ का आखिरी वार, ओह बीस ज्वाला। उफ बीस ज्वाला की आग में झुलस जाएंगे हम दोनों। इस बीस की आंधी को रोकना होगा और इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा मृत्यु अस्त्र। दूसरे ही पल उसने मृत्यु अस्त्र को चला दिया। दूसरे ही क्षण खच, अब विवस हो गया था कपाल फोड़। अचानक अपनी शक्ति का भयंकर रूप दिखाया कपाल फोड़ ने और फिर भयंकर विषाग्नि में घिरते चले गए राम और धनुर्धर। उफ उफ राम, इस भयंकर विषाग्नि से हम बच नहीं पाएंगे। ठीक उसी क्षण वहां प्रवेश किया रहीम, ज्वाला और भूचाल ने। ओह उफ जल्दी कुछ करो भूचाल, वरना राम और धनुर्धर जीवित नहीं बचेंगे। तुरंत ही भूचाल ने चलाई अपनी अधर शक्ति और शांत होने लगी विषाग्नि। अचंभित रह गया कपाल फोड़। उफ मेरी भयंकर विषाग्नि शक्ति भी समाप्त, अब मैं इन्हें पराजित नहीं कर सकता। ठीक सोच रहा है तू कपाल फोड़, अब तेरा अंत निकट आ गया है। फिर कई शक्तियां एक साथ चली। चीख पड़ा कपाल फोड़, नहीं। सभी शक्तियां कपाल फोड़ से जा टकराई। आह और इसी के साथ भड़ाम, कपाल फोड़ की यह लीला समाप्त हो चुकी थी। फिर कपाल फोड़ खत्म हो चुका है, आओ चले। सभी बहादुर सभी बाहर की तरफ चल दिए। वरुटा दामनी और जहरीली की मौत का हमें जीवन भर दुख होगा। तभी कर कड़ाक, अरे ये तो अभी भी जिंदा है। हे भगवान, इसमें से तो फिर कोई शैतान निकल रहा है। गड़प गड़प, भाइयों इससे पहले कि ये शैतान पूरी तरह विकसित होकर बाहर निकले, इसे नष्ट कर दो। और अगले पल भक ई वा वा ची ची ची। कुछ देर बाद अब हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, चिरायु रहो वत्स। फिर राम रहीम वापस घर लौट गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, मेरी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन की जो डिस्प्ले है वो टूट चुकी है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कोई नया फ़ोन लेने के लिए, नया या सेकेंड हैंड मोबाइल लेने के लिए। ओके
तो अभी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।